सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति शांतिनगर और तरुण डेल्टा स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन भिलाई द्वारा बीते कई वर्षों से राजीव गांधी खेल व दशहरा मैदान में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर हमारी सहयोगी संगीता ने आयोजन समिति से जुड़े लोगों से चर्चा की। आइए आपको भी दिखाते हैं ये चर्चा कैसी रही। हम अभी हैं भिलाई शांति नगर में, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष दशहरे पर्व का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। उसी तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से दशहरे का आयोजन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत को प्रदर्शित करते हुए इस दशहरे के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। हम जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा अमर सिंह है जी। अमर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे दशहरे पर्व का आयोजन यहाँ पे कितने वर्षों से किया जा रहा है। हम लोग दशहरा विगत 46 वर्षों की मना रहे हैं। काफ़ी हर्षोल्लास से हम लोग मनाते हैं। विविध प्रकार के कार्यक्रम कराए जाते हैं यहाँ पे, और हमारे जो अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री परम आदरणीय ब्रिजमोहन सिंह जी के नेतृत्व में ये दशहरा किया जाता है। और इसमें आतिशबाजी और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये रहती है सुरक्षा में, सुरक्षा प्रथम है। सुरक्षा इसलिए दी जाती है कि किसी भी पब्लिक को किसी को हानि ना पहुँचे, क्योंकि उस समय 2-2.5 लाख की भीड़ रहती है। अब इनमें सबका सुरक्षा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन बहुत हमारा सहयोग करते हैं। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होता है। आपने सुरक्षा की बात कही आम जनता के लिए, किस प्रकार की आप सुविधाएं देते हैं, किस प्रकार का सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे रहता है? हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 एम्बुलेंस एनी टाइम तैनात रहते हैं। जैसे किसी को कुछ फटाके, बहुत सारे मुतातीबाजियाँ होती हैं, कुछ नुकसान होता है, उसके तुरंत एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है। और डॉक्टरों से हमारा टाइप रहता है कि जैसे ही कुछ होता है तो हम लोग सब व्यवस्था रखे रहते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है कि हम काबू नहीं कर पाते हम लोग। अब 2-2.5 लाख पब्लिक होना मतलब बहुत बड़ी बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो रावण के पुतले का निर्माण किया जाता है, उस पुतले का निर्माण कहाँ पर किया जाता है और किस प्रकार के कारीगर, उनमें कितनी क्षमता रहती है उसको निर्माण करने की? हमारे यहाँ जो रावण दहन का जो पुतला है, यहाँ कुतरेल द्रुक के पास में, वहाँ से आता है और वो विगत 46 वर्षों से हम लोगों को मतलब यानी कि अपनी सेवाएं दे रहा है और काफ़ी अच्छे मतलब जानकार और अच्छे पुतले मतलब बनाते हैं, तो हर साल उन्हीं को देते हैं काम। तो 2 साल तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कोई भी पर्व मन नहीं पाया था, तो इस बार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है, तो कुछ खास तैयारियाँ हैं इसको लेकर? खास तैयारियाँ मतलब आतिशबाजी मेन हम लोगों का, कटक काकीनाला से जो आतिशबाजी आता है वो आतिशबाजी मेन है। पुतले तो वैसे ही रहते हैं जैसे बनते हैं, है ना। आप सभी समितियों का किस प्रकार से योगदान है इस दशहरे पर्व पे को लेकर? इस समिति का योगदान तो रहते ही, साथ में हमारी जनता शांतिनगर मोहल्लेवासी, इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। सब मिलजुल के कार्यक्रम सफल बनाया जाता है, मतलब हमारे मोहल्लेवासियों का बहुत योगदान रहता है इसमें और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होता है यहाँ पे। प्रमुख अतिथि जिन्हें आप लोगों ने आमंत्रण दिया है? श्री तप ताम्रधर साहू जी हैं, वो मुख्य अतिथि हमारे, वो आएंगे कल शाम को करीब 6 बजे। तो मुख्य अतिथि जी ताम्रध्वज साहू जी को आमंत्रण दिया गया है। हम ये भी जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम का आयोजन कितने बजे से प्रारंभ हो जाएगा? ये शाम को 6 बजे से आयोजन प्रारंभ हो जाता है, रामलीला होती है, उसके बाद फिर मुख्य अतिथि का रामलीला, जो राम सीता बनते हैं उनका स्वागत किया जाता है, फिर रावण का क्या बोलते पूजा होता है उनका भी, ये सब कार्यक्रम होने के बाद फिर लास्ट में रावण दहन का कार्यक्रम होता है। देखा आप लोगों ने किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है इस दशहरे मैदान में, दशहरे पर्व का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी के प्रकार हम आपको और भी जानकारियां देते रहेंगे। बने रहिएगा आप इंडियन न्यूज़ के साथ। कैमरामैन सूरज के साथ मैं संगीता।